सामने सामने बैठे हुए हैं। लोकतंत्र की जीत हो गई है, जम्मू कश्मीर के आवाम की जीत हो गई है और दिल्ली में से पैसा तानाशाह हार गया है। जम्मू कश्मीर के पास पूर्ण राज्य का फुल स्टेटहुड अपना राज्य था, लेकिन दिल्ली में बैठी भाजपा के तानाशाह ने आपसे जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा और हक छीन लिया। हम वायदा करते हैं कांग्रेस वापिस आते ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित नहीं पूर्ण राज्य का दर्जा देगी और जम्मू कश्मीर के फैसले दिल्ली से नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के फैसले जम्मू कश्मीर की आवाम जम्मू कश्मीर में बैठ कर करेगी। अभी दूसरे दल दूसरे लोग विचार ही कर रहे हैं और हम लोग मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुके हैं और आवाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में है। श्री राहुल गांधी जी के नारी न्याय के तहत 5 वायदे जो थे वो बहनों ने हमें सौंपे हैं कि राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे नारी न्याय में महंगाई बेरोजगारी महिलाओं की भागीदारी पर बात की थी। मांग पत्र सौंपा है जिसका पूरा जिक्र हमने यहाँ पर किया है। महंगाई से राहत चाहिए उन्हें, उनके घर राशन नहीं पहुँच रहा है। सरकारी पक्की नौकरियों में आरक्षण मांग रही हैं मेरी बहनें, उन्हें राहत देनी होगी, उन्हें सुरक्षा देनी होगी। हम इन सब वायदों के साथ जल्द अपना घोषणा पत्र, हमारी जो टीम है उसे हम अपनी मांगे जो है वो सौंपने जा रहे हैं। कश्मीर के 5 जिले, जम्मू के 2 जिले, 7 जिलों के दौरे में खुद करके आई हूँ। 20 जिलों में हमारी ऑल इंडिया टीमें बैठी हुई हैं इस समय, बाकी के जिलों में मैं अब तुरंत जाने वाली हूँ। अनंतनाग में पहला चरण 18 सितंबर को वोट है, लेकिन आप देख रहे हैं पहले ही चरण की अभी मतदान, अभी हमारा नामांकन नहीं हुआ, उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, लेकिन आवाम तैयार बैठी है कि बस जल्दी अपना नुमाइंदा घोषित करिए और हम वोट करें। और यहाँ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है। 5 जून को कांग्रेस की एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मुझे पूरी उम्मीद है श्रीमती सोनिया गांधी जी भी जम्मू कश्मीर के इस आवाम को ताकत देने के लिए उनके बीच में आपको जल्द कुछ ही दिनों में दिखने वाले हैं। अफवाहें चल रही है गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में आएंगे तो उस पे आपकी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए अफवाहों पर मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे मेरी बात आजाद साहब से नहीं हुई और मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है। वो उनका फैसला था जो उन्होंने किया था, वो कांग्रेस का फैसला नहीं था। तो अभी मैं यही कहूंगी कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है, जो गए थे वो आना चाह रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई है। सो हम हर एक का कांग्रेस बड़े दिल से स्वागत करती है क्योंकि ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की जमहूरियत लोकतंत्र को जीतने की है और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, 10 साल जम्मू कश्मीर ने अन्याय सहा है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम की जीत है कि चुनावों की घोषणा केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार को करनी पड़ी। बेटियां पढ़ रही हैं लेकिन सुरक्षा उनको नहीं मिल रही है। बिल्कुल, कलकत्ता में डॉक्टर बेटी है, उत्तराखंड में नर्स बेटी है, सामूहिक बलात्कार हत्या हो रही है, क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री खोखले भाषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्किस बानो गुजरात की बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ और आपने 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया। आपने प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट के लिए वोट मांगा मोदी जी या नहीं मांगा और वो हारता है वहां पर। आपने ब्रजभूषण शरण को लिए प्रचार प्रसार करके हमारी बेटी जो ओलंपिक में सिल्वर पदक तक जीत कर आई विनेश फोगाट के साथ, क्या आपने न्याय किया? तो मोदी जी और भाजपा बेटी बचाओ के नारे खोखले हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सुरक्षा देने में फेल हो रहे हैं। मैं फिर कहूंगी मुख्यमंत्री की जहां तक बात है ये तय करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। जम्मू कश्मीर की आवाम को हम उम्मीदवार देंगे, वो उम्मीदवार को विधायक जिताएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, जो विधायक दल की बैठक अपना नेता चुनेगी, दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व उसे जनता के मुताबिक आवाम के मुताबिक मुख्यमंत्री। देखिए हम लोगों ने 2024 का लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लड़ा, कश्मीर की 3 सीटों में 2 हम जीत पाए हैं। अब विधानसभा में अलायंस होगा नहीं होगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व ने स्थानीय नेतृत्व जम्मू कश्मीर से लगातार बैठकें की हैं, संगठन में फेरबदल हुए हैं और अब गठबंधन को लेकर जो भी चर्चा है जो भी फैसला होगा आधिकारिक रूप से बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सामने रखेंगे।